जय माता दी दोस्तों, और सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और आज दोस्तों, आज क्या मेरा वीडियो डालने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर मैंने सोचा कि थोड़े नींबू थे घर में तो वो ख़राब हो रहे थे, तो मैं आपको वीडियो जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। दोस्तों सपोर्ट कर नहीं रहे हो, आप फुल सपोर्ट करो तो उस तरीके से मैं और वीडियो डालूँ, मन करे मेरा वीडियो डालने का। तो दोस्तों आज मैं नींबू का कुछ बताने जा रही हूँ कि उसको हम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने किस तरीके से एकदम फ्रेश रख सकते हैं। और ऐसे नींबू ला के 8 से मुश्किल से 1 हफ्ता, बड़ी मुश्किल से चलते हैं, सूख जाते हैं या फिर वो थोड़े से गल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अब मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो को फुल वॉच करना, किस तरीके से नींबू आप महीने 2 महीने बिल्कुल फ्रेश रख सकते हो। तो वीडियो को फुल वॉच करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो नए हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और लाइक करना कि किस किस किसने इस्तेमाल किया है, कैसे यूज किया है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिएगा, मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम नींबू लाते हैं तो कुछ इस तरीके के सूख जाते हैं, और मुश्किल से 6-7 दिन में कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, और मैंने निकाल दिए हैं, देखिएगा कुछ इस तरीके के हो जाते हैं। और नींबू हम 1-1.5 महीने, यही नींबू अगर हम इसको 1-1.5 महीने 2 महीने यूज कर सकते हैं, तो किस तरीके से ये एकदम तरोताज़ा, किस तरीके, जैसे अभी इसमें जो ये जैसे अच्छा फ्रेश नींबू होता है उसमें रस निकलता है, वैसा ही टेस्ट एकदम, मतलब 1 महीने तक हम इसको रख सकते हैं स्टोर करके। देखिएगा, अब मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके, क्योंकि ये दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि नींबू में कभी कीड़ा नहीं पड़ता, नींबू कभी ख़राब नहीं होता, थोड़ा सा गल जाता है लेकिन नींबू कभी ख़राब नहीं होता है, और नींबू में कभी कीड़ा नहीं लगता है। तो इसलिए दोस्तों नींबू हमेशा ही अच्छा और फ्रेश रखने के लिए हम इसको महीने भर स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये सब झूठ लग रहा होगा, तो चलिए किस तरीके से हम इसको स्टोर करेंगे, तो चलिएगा मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। दोस्तों मैंने वैसे मूड बना लिया था कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, 4-5 दिन से वैसे भी नहीं डाल रही हूँ मैं। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं बिल्कुल ही वीडियो नहीं डालूंगी। तो चलिए किस तरीके से हम नींबू को स्टोर करेंगे। नींबू को इस तरीके से सारे नींबू, देखिए दोस्तों मैंने ये सारे नींबू कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई भी बर्तन ले ले, अब इसका सारा रस निकाल लेंगे। हम जितने भी नींबू हैं उनका रस निकाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। मेरे यहाँ करीब आधी किलो से ज़्यादा थे ये नींबू, मैंने रस निकाल दिया है। और अगर आपको रस ही रस चाहिए, इसका पल्प नहीं चाहिए, तो आप इसको छान सकते हैं। और मुझे नींबू वाली फ्रेशनेस, जो फ्रेश नींबू की जो होती है वैसे ही चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगी, ये बीज हटा के जो आइस ट्रे होती है ना, तो जितना भी मेरा ये है रस नींबू का, मैं आइस ट्रे में भर लूँगी। चलिए इस तरीके से देखिएगा, ये हमने पूरा इसमें आइस ट्रे में ये नींबू का रस निकाल के भर दिया है। अब हम इसको जमा लेंगे और ये फ्रीजर में रख देंगे, तो इसकी आइस जम जाएगी। अब ये हमारा 1 महीने 2 महीने जितनी भी ज़रूरत हो, एक आइसक्रीम निकालो और यूज कर लो। जो नींबू फ्रेश नींबू होते हैं उनको नहीं चला पाएंगे, और इनको चला सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो चलिएगा हम इनको फ्रीजर में रख दे रहे हैं जमने के लिए। तो चलिएगा बने रहिए, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा नींबू इस तरीके से महीनों महीनों भर फ्रेश और एकदम ताज़ा रहेगा, क्योंकि इसमें इसका पल्प भी है और ये एकदम फ्रेश रहेगा। अगर आपको नींबू पानी या कुछ भी पीना है तो नींबू पानी पीना है या कुछ भी सब्जी वगैरह में डालना है, इस तरीके से कीजिए। और एक
देखिएगा इसमें बीज भी है, इसमें पल्प भी है, सब कुछ है इसमें। और आप इसको महीने भर स्टोर कर सकते हैं, 2 महीने भर स्टोर कर सकते हैं। अगर ये वाला वीडियो मेरा अच्छा लगे, आपके किसी काम आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जय माता दी।